अब जैसे ही आपके पास में ये नंबर पहुंचता है, जो भी साथी इस ईवीएम हटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जो भी ईवीएम के विरोध में हैं, वो साथी इस मिस कॉल वाला नंबर जो अब हम घोषित करें, इस पर मिस कॉल करें, बात ना करें साथी, केवल मिस कॉल करें। और निवेदन मेरा यह है कि वो साथी अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने समाज के लोगों से, अपने पड़ोस के लोगों से, जहां भी उनकी पहुंच है, जिसको भी वो कह सकते हैं, फोन कर करके कहें इस नंबर पर मिस कॉल करो, ईवीएम हटाना है। इतना तो कर ही सकते हैं ना। सब साथियों से मेरा यही निवेदन है, जो भी देख रहे हैं देश के लोग, सब इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर मैं आपके सामने बोलता हूं, 9667722062। इस तरह से जो आप देख रहे हैं, हमने कितने स्टेट की टीम घोषित करी है, अभी तक 13 राज्यों की टीम हमने इस समय घोषित की है, और आने वाले समय में बहुत उम्मीद है कि हम 21-22 तारीख से पहले बाकी और राज्यों की भी, और इन टीम में और जो साथी जुड़ना चाहेंगे, हम वो भी घोषित करेंगे, और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीम है, लोकसभा लेवल पर है, बहुत सारे हैं मैसेज, अभी हम देख नहीं पाए, लगातार मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि फोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी भेज रहे हैं। हम इन 5-7 दिनों में वो सारी चीजें कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम टीम घोषित करेंगे। तो अब इसके साथ अब आप समझ सकते हैं कि यह आंदोलन देश भर में हर जगह, राजधानी से लेकर जिले, कमिश्नरी, तहसील, ब्लॉक और नीचे गांव तक यह आंदोलन पहुंच चुका है। और यह आंदोलन, जैसा हमने पहले कहा था, पूरी तरह से चलेगा जब तक ईवीएम को उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाएगा। हमारा इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि इस चीज को सोचे, देश की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने धोखा किया है और लगातार कर रहे हैं, वो बंद करें और ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करें। एक और चीज मैं यहां घोषित करना चाहूंगा, हम 25 तारीख को, 24 या 25 में हम घोषित करेंगे कि इस षड्यंत्र में ईवीएम से जो चुनाव कराया जा रहा है और जिस तरह से इस देश की जनता उसकी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है, उस जनता को हम बताएंगे कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, इलेक्शन कमीशन के अलावा कौन कौन शामिल है, वो हम सारी चीजें उस दिन बाकायदा आपके सामने खुलासा करेंगे। तो किसी को कुछ शक नहीं रहेगा कि कहां कहां ये सारी गड़बड़ी कैसे कर रहे हैं और क्यों हटाना नहीं चाहती सरकार और इलेक्शन कमीशन, और कहीं कोर्ट भी किस तरह से उनके झांसे में आ गई या उनके तीर से उनके षड्यंत्र में फंसी हुई है। ये सारी चीज का खुलासा हम 24 जनवरी को आप सारे मीडिया साथियों को इन्वाइट करके बाकायदा खुलासा करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। अब मैं साथियों से यही निवेदन करूंगा कि सब साथी जुड़े और लगातार जैसे हमने कहा है उसी तरह से हमारा साथ दें, नंबर डिक्लेयर और एक नंबर, वो भी हम मिस कॉल वाला नंबर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब जैसे ही आपके पास में ये नंबर पहुंचता है, जो भी साथी इस ईवीएम हटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जो भी ईवीएम के विरोध में है, वो साथी इस मिस कॉल वाला नंबर जो अब हम घोषित करें, इस पर मिस कॉल करें, बात ना करें साथी, केवल मिस कॉल करें। और निवेदन मेरा यह है कि वो साथी अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने समाज के लोगों से, अपने पड़ोस के लोगों से, जहां भी उनकी पहुंच है, जिसको भी वो कह सकते हैं, फोन कर करके कहें इस नंबर पर मिस कॉल करो, ईवीएम हटाना है। इतना तो कर ही सकते हैं ना। सब साथियों से मेरा यही निवेदन है, जो भी देख रहे हैं देश के लोग, सब इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर मैं आपके सामने बोलता हूं, 9667722062। एक बार फिर से बोलता हूं, 9667722062। इसको हिंदी में बोलता हूं, 966-77-22-062 ये नंबर है। इस नंबर पर अभी से जब से पहुंच जाए जिन लोगों तक, जैसे ही सूचना पहुंचे मिस कॉल।